तो दोस्तों, मुझे ये कुत्ता अभी लावारिश की तरह मिला और भाई इसके आंखों में चारों तरफ से आंसू थे और दोपहर में से मतलब कुछ खाया नहीं पिया नहीं, तो पता नहीं किसने छोड़ रखा था ये। इसे मैं पानी की जगह पे ले गया, पानी पिलाया इसे, और इसके बाद अब इसे थोड़ा ले जा लूँगा कहीं दूसरी जगह पर और थोड़ा बिस्किट वगैरह खिलाऊंगा। तो ये बिल्कुल इस सुनसान जंगल में छोड़ रखा था यहाँ पर, तो भाई बिल्कुल चलने की हालत भाई में भी ये नहीं है ना, ये। तो फिलहाल अब थोड़ा चलने बैठ गया है और बिल्कुल इतने हिल रहा था, मतलब बिल्कुल जान भी नहीं थी। और अब थोड़ा पानी वगैरह पी करके थोड़ा एनर्जी आ गई है इसमें, थोड़ा खाना वगैरह भी खिलाएंगे। पता नहीं कब से छोड़ रखा है इसे यहाँ, सुबह से छोड़ा या दोपहर से, तो इसे कुछ पता नहीं था कि भाई कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। तो इसे हम ले चलेंगे मार्केट में और थोड़ा खाना वगैरह खिलाएंगे, फिर मार्केट में ही रहने देंगे क्योंकि वहाँ तो इसे थोड़ा बहुत खाना मिल जाएगा, लेकिन इस जंगल में नहीं। और जो दोस्त ऐसे करते हैं ना जानवरों के साथ, तो बिल्कुल ऐसा ना करें यार, मासूम होते हैं। बिल्कुल आंखों में इतने आंसू थे इसके। बिस्किट खिला उसको, खा रहा है भाई बिस्किट। तो इसे हम ले आए बिस्किट और यहाँ पे छोड़ेंगे, और गांव है देखिए सामने, तो यहाँ पे इसे खाने के लिए मिल ही जाएगा थोड़ा बहुत गांव के नज़दीक। तो जंगल में तो कुछ नहीं मिलता था, तो चलो भाई इसे यहाँ पे खिला रहे हैं और खा भी रहा है आराम से। तो यार हमारी उन लोगों से विनती है जो ऐसे जानवरों को छोड़ते हैं, तो ऐसे ना छोड़े यार, थोड़ा तो अपने बच्चों का भी ख्याल कर लो। तुम पे भी ऐसे ही बीतेगी अगर तुम ऐसे ही कुत्तों को छोड़ोगे या जानवरों को छोड़ोगे। वो बोल नहीं पाते हैं लेकिन उनके आंसू तो दिखते हैं आप सबको, ऐसा ना करें।